हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनय गुप्ता एजुकेशन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाज का पार्ट टू। इसका पार्ट वन हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो आगे चलते हैं पार्ट टू पर। पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, समाज। तो देखते हैं, समाज के दो टॉपिक पढ़ चुके थे, आपका अव्ययीभावी समाज और आपका तत्पुरुष समाज, हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज आएगा आपका नंबर तीसरा, कर्मधारय समाज। तो कर्मधारय समाज में क्या होता है दोस्तों, कि कर्मधारय समाज का उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समाज का उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसमें जो है पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष संबंध होता है। इसे ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इसे विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान है जो, के समान है जो आता है। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इसका विग्रह करते समय इसके दोनों पदों के बीच में के समान है जो आता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे ये इधर आपका विग्रह है, इधर आपका समस्त पद है। जैसे आपसे पूछेगा कि चरण कमल में कौन सा समास है और इसका विग्रह करिए आप लोग, तो विग्रह करने पर क्या आएगा, चरण कमल मतलब इसमें उपमान उपमेय की, उपमान उपमेय का संबंध आ रहा है या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध आता है। तो कमल के समान चरण, आप देखिए इसमें के समान आ रहा है, ये बीच में के समान आ रहा है, दोनों पदों के बीच में क्या आ रहा है आपका, के समान आ रहा है। तो के समान किस में आता है आपका, कर्मधारय समास में। तो ये कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय समास हो गया। आगे देखिए प्राण प्रिय, अब इन दोनों पदों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों पदों के बीच में भी आपका के समान आ रहा है। देखिए क्या है, प्राण प्रिय का विग्रह क्या किया जाता है, प्राणों के समान प्रिय, अब इसमें भी देखिए के समान आ रहा है, तो कौन सा समास हो गया आपका, आपका कर्मधारय समास हो गया। अगला देखिए चंद्रमुख, इसकी तुलना जो हो रही है वो चांद के साथ हो रही है, किसके साथ, चांद के साथ, और जिसकी तुलना उपमेय उपमान होता है जिसमें, उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका विग्रह क्या होगा, चंद्र के समान मुख, इसकी तुलना किसके साथ हो रही है, चंद्र के साथ हो रही है, मतलब इसके कहने का मतलब कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है अधमरा, अधमरा किसे कहते हैं आप लोग, जो आधा मरा होता है, मतलब आधा है जो मरा, उसे ही तो अधमरा कहोगे। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, बीच में है जो आ रहा है, दोनों पदों के बीच में क्या आ रहा है जो, और है जो किस में आता है आपका, है जो कर्मधारय समास में आता है। तो ये कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो गया आपका। अगला क्या है महापुरुष, अब महापुरुष किसे कहेंगे, महान है जो पुरुष, उसे ही तो महापुरुष कहेंगे। और इसमें देखिए, इसमें भी आपके दोनों पदों के बीच में क्या आ रहा है जो आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय समास हो गया। तो दोस्तों कर्मधारय समास भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले चलते हैं नंबर चार की ओर, नंबर चार है हमारा द्विप समास। द्विप समास में क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे सरल बात यह है कि इसमें जो है समस्त पद का प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वो आपका संख्यावाचक होता है। ये इसमें क्या है कि पूर्व पद इसका जो है संख्यावाचक होता है। जैसे देखते हैं इसका पूर्व पद, इसमें समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वह संख्यावाचक होता है तथा इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें का समूह या का समाहार होता है, इसका विग्रह में का समूह या का समाहार होता है। अब देखिए सप्त सिंधु, इसका उदाहरण पहला है सप्त सिंधु। हमने क्या बताया अभी आपको कि इसमें जो समस्त पद है इसका पूर्व पद आपका संख्यावाचक है। अब देखिए समस्त पद का ये जो सप्त सिंधु है, इसका जो पूर्व पद मतलब पहला पद क्या है आपका, सप्त, मतलब कि ये क्या है आपका संख्यावाचक, सप्त मतलब सात, तो क्या हुआ ये पहला संख्यावाचक हुआ। और इसका विग्रह करने पर क्या आएगा,
कि सात सिंधुओं का समूह, और हमने इसकी पहचान क्या बताई कि विग्रह करने पर इसमें का समूह या का समाहार का ज्ञान होता है। तो समझ गए सप्त सिंधु आपका कौन सा हो गया, सप्त सिंधु आपका दीर्घ समास हो गया। आगे चलते हैं त्रिलोक। त्रिलोक में भी देखिए इसका प्रथम पद जो होता है वो क्या है, त्रि, त्रि मतलब तीन, मतलब कि प्रथम पद इसका क्या हो गया आपका संख्यावाचक है, और इसका विग्रह क्या होगा तीन लोकों का समाहार। तीन लोकों का समाहार मतलब कि कहना क्या जा रहा है इसमें, इसकी क्या आ रहा है समाहार आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका दीर्घ समास हो गया। आगे देखते हैं दो पहर। इसमें भी देखिए आपका प्रथम पद जो है वो आपका संख्यावाचक है, और हमने बताया कि दीर्घ समास में ही प्रथम पद आपका संख्यावाचक होता है, और इसका विग्रह करने पर क्या आएगा दो पहरों का समूह। का समूह आ रहा है, का समूह किसमें आता है आपका दीर्घ समास में, प्रथम पद संख्यावाचक किसमें आता है आपका दीर्घ समास में, तो दोपहर क्या हो गया आपका दीर्घ समास हो गया। अगला है त्रिकोण। त्रिकोण देखिए इसमें भी पहला पद क्या है त्रि मतलब तीन, पहला पद इसका क्या है त्रि मतलब तीन कोणों का समाहार, तीन कोणों का समाहार त्रिकोण कहलाता है। तो ये कौन सा समास हो गया आपका, आपका ये हो गया दीर्घ समास। समझ में आ गया आप लोगों को दीर्घ समास। अब आगे चलते हैं नंबर पांच की ओर। नंबर पांच है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को समझते हैं, क्या है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है कि इसमें जो है समस्त पद में दोनों पद प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें जो है आपके दोनों पद पहला और दूसरा दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। ये देखिए समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर इनके बीच में, इनका जब विग्रह किया जाता है तो उनके बीच में आपका और या एवं अथवा लगता है। क्या क्या लगता है इनका विग्रह करने पर, और या अथवा एवं इनके विग्रह करने में लगता है। तो पहचान इसकी क्या है, इनकी पहचान ये है कि ये इनके दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है डैश, योजक चिन्ह लगता है इनके बीच में। तो समझ गए, तो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए आप लोग, ये विग्रह इधर किया है, समस्त पद इधर है। पूछेगा नदी नाले में कौन सा समास है, तो नदी नाले देखिए पहली बात तो इनके दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, समझ गए, और इसका विग्रह करने पर क्या आएगा नदी और नाले। अभी हमने आपको क्या बताया कि इनका विग्रह करने पर इनके बीच में और या एवं अथवा लगता है। तो समझ गए ये कौन सा समास हो गया आपका, ये आपका समास हो गया द्वंद्व समास। अगला देखते हैं पाप पुण्य, इनके भी बीच में डैश लग रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये भी आपका द्वंद्व समास हो गया। अगला देखते हैं सुख दुख। सुख दुख में भी बीच में डैश लगा हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं नंबर छह की ओर। नौ नंबर लास्ट यही है, नंबर लास्ट क्या है बहुव्रीही समास। क्या है बहुव्रीही समास। अब इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें जो होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये स्वतंत्र होता है, कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। समझ रहे हो आप लोग, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपसे पूछेगा लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में दो पद हैं, एक लंब दूसरा दर, और इनसे कोई, इनमें कोई पद प्रधान नहीं है, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसका विग्रह कैसे होगा कि लंबा है उदर जिसका, और लंबा उदर है किसका, भगवान गणेश का। तो मतलब क्या हुआ, गणेश की ओर ये लोग इशारा कर रहे हैं, किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, और जब कोई तीसरे पद की ओर इशारा करता है तो वहां पर आपका बहुव्रीही समास होता है। अगला देखिए महावीर। महावीर में कौन सा समास है, तो दोस्तों महावीर में इसका विग्रह क्या होगा, महान है जो वीर, और महान है जो वीर कौन है, वो हनुमान। यहां पर हमने शॉर्टकट में एच बना दिया है, जगह नहीं थी तो हमने, महान है जो वीर कौन है, वो हनुमान। तो यहां पर कौन सा समास आएगा आपका बहुव्रीही समास। कैसे,
क्योंकि ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, किसकी ओर, हनुमान जी की ओर। अगला है चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब समझिए कि चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन होता है वो, विष्णु, समझ रहे हो आप लोग। तो इसमें कौन सा समास है आपका, बहुव्रीहि समास। चार हैं भुजाएं जिसकी, कौन हो गया, विष्णु। अगला है आपका चक्रपाण, चक्रपाण क्या है, यह भी किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रही है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि चक्र है पाण में जिसके, और चक्र पाण में किसके है, भगवान विष्णु के। किसकी ओर इशारा कर रहा है, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, किसकी ओर, भगवान विष्णु की ओर। तो यह भी कौन सा समास हुआ आपका, यह भी आपका बहुव्रीहि समास हुआ। तो दोस्तों समास की क्लास पूरी हो गई है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।